हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज आलम, मैथमेटिक्स लेक्चरर, करीम सिटी कॉलेज, मानगो कैंपस। इट्स माई 25th वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक टुडे, प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन कंटिन्यूटी। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सीखा कि कैसे किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो उसी प्रॉब्लम्स को हम और आगे बढ़ा रहे हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स, ये दिया हुआ है 3x-2, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा लेस देन इक्वल टू 1, 2x²-x, एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 2, 5x-4, एक्स इज़ ग्रेटर देन 2, ये कंडीशंस है ना, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। वी हैव टू टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 पर। वी हैव x इज इक्वल टू 2 पर, देखो तो इक्वालिटी फंक्शन क्या बताता है, ये फंक्शन किसको बता रहा है, x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर एन इक्वल है तो ये फंक्शन कॉल होगा ना, दिस इज द कंडीशंस फंक्शन, कंडीशनल फंक्शन। x इज इक्वल टू 2 यहाँ है तो f2 पर क्या होगा वैल्यू, 2 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2, देखो वही को कॉल किया f2 पर, 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया 8-2 6। अब क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 f2-h, लिमिट h टेंस टू 0 यही रहेगा, f2-h का मतलब क्या, 2 से कम। देखो फंक्शन 2 से कम किसको कॉल करता है, 2 से कम, x का वैल्यू 2 से 2 या 2 से कम में और 1 से बड़ा है, इसको कॉल करेगा ना fx इज इक्वल टू 2x²-x, तो x की जगह आ जाएगा 2-h, तो यहाँ पर भी 2-h और यहाँ पर भी 2-h आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा फंक्शन कॉल होगा f2-h का 2 × 2-h का होल स्क्वायर, वहाँ से -2-h, इसको लिमिट अप्लाई कर दो, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 2 × 2-0 का होल स्क्वायर -2-0। ओके, कैलकुलेट करोगे ये 8-2 6 ही आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गया हमारा 6 आ गया। ओके, अब राइट हैंड लिमिट का क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f2+h, 2+h का मतलब 2 में कोई स्मॉल क्वान्टिटी ऐड कर रहे हैं, 2 में कुछ भी स्मॉल क्वान्टिटी ऐड करेंगे तो वो 2 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 2+h मतलब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर, x का वैल्यू देखो तो 2 से ग्रेटर कौन है, ये वाला है, ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा ना, x का वैल्यू 2 से ग्रेटर पे 5x-4 मतलब x इजिकल टू यहाँ पर 2+h रखाएगा तो यहाँ पर भी 2+h रखाएगा। ओके, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर f2+h क्या हो जाएगा, 5 2+h-4, वहाँ के फंक्शन कॉल कर दिया, f हट जाता है, ठीक है ना, तो 5 2 10, ये h0 अप्लाई कर दो, 10-4 6, देखो तीनों वैल्यू बराबर आ गए, तीनों वैल्यू बराबर आ गए ना, x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या था 6, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था वो भी 6, राइट हैंड लिमिट क्या है वो भी 6, तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f2, तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर। अब एक फंक्शन को जानेंगे मॉडुलस फंक्शन, और जिसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स का मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड एक्स का मतलब माइनस एक्स होगा जब एक्स इज लेस देन 0, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, जब एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाई इजिकल टू एक्स 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा, और जब एक्स लेस देन 0 होगा इस तरफ में है ना, ये निगेटिव होता है एक्स इधर, तो वाई इजिकल टू माइनस एक्स इधर होता है, और ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, देखो इसे ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, नॉन स्टॉप होगा ना, बिना पेन को उठाए हम ड्रॉ कर सकते हैं इस ग्राफ को, तो ये वी शेप डायग्राम होता है ना, वी शेप डायग्राम, पॉइंट वर्टेक्स कहाँ पर होता है, ये जहाँ पर मीटिंग पॉइंट है इन दोनों का ये वर्टेक्स कहलाता है, देर इज़ नो पोर्शन ऑफ द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं होता मॉड का ग्राफ, ठीक है। तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसका पूरा रियल नंबर पे ये काम कर रहा है, सारे वैल्यू को अटेंड कर रहा है एक्स एक्सिस से, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, ये देखो पूरा ग्राफ का हाइट जो अटेंड कर रहा है वाई एक्सिस पर अटेंड कर रहा है, मतलब 0 से वाई क्या होगा प्लस इन्फिनिटी इधर है ना, तो इधर ये वैल्यू मिलेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, तो याद रखो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का प्लस एक्स माइनस एक्स ऐसा होता है, कंडीशंस क्या है, एक्स 0 से बड़ा और बराबर एक्स लेस देन 0 पे माइनस एक्स, ठीक है। अभी हम इसको चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी को एक पॉइंट पर, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो वी हैव एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, वहाँ से डेफिनेशन हमने लिख दिया जो अभी बताया था मैंने, नाउ टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। एफ 0 पर क्या होगा, इक्वालिटी यहाँ पर है, 0 रखो तो 0 हो जाएगा, एफ 0 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट करो, एफ 0 पर टेस्ट हो रहा है तो 0-h, जो टेस्टिंग पॉइंट होता है फार्मूला में क्या होता है a-h, तो a की जगह पर मेरा कौन है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f 0-h, लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट h टेंस टू जीरो, f जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से कम, जीरो x का वैल्यू जीरो से कम, ये कॉल होगा। तो माइनस यहाँ हटाएंगे और यहाँ पर x की जगह जीरो माइनस एच रखेंगे तो ये कॉल हो जाएगा जीरो माइनस एच। ये कंडीशन कॉल नहीं होगा ना, वो तो कंडीशन चेक करने के लिए, माइनस माइनस प्लस h में अप्लाई करो जीरो हो गया, ठीक है जीरो हो गया। राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट h टेंस टू जीरो, f जीरो प्लस है, जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे जीरो से ग्रेटर हो जाएगा ना, जीरो में कुछ भी जोड़ो प्लस करो कुछ भी जीरो से ग्रेटर हो जाएगा। तो x का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा, ये कॉल होगा। यहाँ पर जीरो प्लस एच डालेंगे तो यहाँ पर भी जीरो प्लस एच, तो f जीरो प्लस एच पर लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच, ओके f हट जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे h जीरो हो जाएगा ये ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया। देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द सिंगल पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पर। यह सिंगल पॉइंट का टेस्ट करने का तरीका है, ओके ये सिंगल पॉइंट के टेस्ट करने का तरीका है, ओके आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार इस्तेमाल भी होता है, ठीक है, इसलिए मैं अच्छे से पूरा वीडियो कवर कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी यही है। एक और टाइप में देखते हैं, यहाँ पर दूसरी चीज़ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सॉल्व एट द फंक्शन, ये दिया हुआ के एक्स प्लस वन, कंडीशन क्या, एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव, थ्री एक्स माइनस फाइव, एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू फाइव पे। कॉन्टिन्यूस बोल चुका है, आपको कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करना है के का, ओके वी हैव एफ फाइव पर क्या दे रहा वैल्यू, वैसी बनाएंगे वैसी, इसको फाइव के पे क्या हो जाएगा, फाइव के प्लस वन, ओके लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करो, लिमिट एस टेंस टू जीरो किस पर चेक कर रहे हैं, फाइव पर, पाँच से कम, यही कॉल होगा। के की जगह क्या रखा जाएगा, फाइव माइनस एच, यहाँ पर ये वाला रखा था ना, ये वाला ये फंक्शन, फाइव माइनस एच यहाँ रखेंगे तो फाइव से छोटा कौन है, ये कॉल होगा ना, फाइव माइनस एच, फिर से एच जीरो करो तो फाइव के प्लस वन, ये आ गया। राइट हैंड लिमिट मतलब फाइव से बड़ा, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ फाइव प्लस एच, फाइव प्लस एच का मतलब फाइव से बड़ा, फाइव से बड़ा का मतलब क्या हो गया, फाइव प्लस एच ना, तो यहाँ पर फाइव प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पर ये कॉल होगा, ये कॉल करेगा इस फंक्शन को, फाइव प्लस एच थ्री इंटू फाइव प्लस एच, थ्री इंटू फाइव प्लस एच, ये एफ हट जाएगा ना, ये फंक्शन कॉल कर दिया वहाँ से, ठीक है, थ्री फाइव प्लस एच माइनस फाइव, जीरो अप्लाई करो, थ्री फाइव या फिफ्टीन माइनस फाइव टेन हो गया। अब हमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी थी, हालांकि अलग अलग वैल्यू आया, क्योंकि बोल रहा है कि फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ओके तो कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या होता है, लिख देंगे कि सिंस द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू फाइव, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ फाइव पे वैल्यू बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट पर आया क्या है, वही फाइव के प्लस वन, और राइट हैंड एफ फाइव पे वैल्यू क्या है, टेन है, या राइट हैंड लिमिट टेन आया, देखो एफ फाइव पे क्या वैल्यू आया, फाइव के प्लस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या आया, फाइव पे के प्लस वन, और राइट हैंड लिमिट क्या आया मेरा, टेन, तीनों इक्वेट होगा, तीनों इक्वेट होगा, के को रिलीज कर देगा, ठीक है, के का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, नाइन बाई फाइव, ओके इक्वेट हो गया ये, इधर आ गया नाइन बाई फाइव, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट द फंक्शन के कॉस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, और एक्स जब पाई बाई टू है तो वैल्यू थ्री है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स टू पाई बाई टू। तो वही हो गया, वी हैव कंटिन्यूटी चेक करनी है पाई बाई टू पर, तो एफ फंक्शन का वैल्यू पाई बाई टू पर देखते कितना है, ये तो गिवन है थ्री है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, ये दी गिवन है, कोई मुश्किल नहीं है, सोचना ही नहीं इसके बारे में। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई बाई टू माइनस एच, तो एक ही फंक्शन है, कंडीशन में लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है यहाँ पर, तो इसी पर चेक होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी इसी पर चेक होगा, ओके। तो फार्मूला रख दो, यहाँ पर अगर एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एच रखेंगे, ये पाई बाई टू माइनस एच यहाँ रखेंगे, तो के कॉस में भी पाई बाई टू माइनस एच और यहाँ पर भी पाई बाई टू माइनस एच रखाएगा, तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू जीरो k cos पाई बाई टू माइनस एच, पाई माइनस टू, टू टाइम्स है ना, ये वाला, ये देखो ना, टू यहाँ है ना, टू यहाँ, यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एच, ओके रखा गया। ओपन करो, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा पाई, इसको ओपन करेंगे, टू टू कट गया, टू टू कट गया, तो पाई माइनस माइनस प्लस टू इंटू एच, टू एच, ओके ये टू एच हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो k बाई टू को अलग कर लो, ये वाला k और ये वाला टू यहाँ पर जो है इसको अलग कर लो, और साइन एच बाई एच हो जाएगा ना, अच्छे से देख के पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, के बाई टू और ये साइन एच बाई एच, के बाई टू लिमिट तो नहीं लगेगा इसमें, बाहर हो जाएगा ये, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच इज़ वन, ठीक है, तो ये हो गया के बाई टू। तो अब हम राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एफ कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ पाई बाई टू का वैल्यू बराबर होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो एक जगह पर वैल्यू मेरा के बाई टू आया है लेफ्ट हैंड लिमिट पर, और एट दैट एट अ पॉइंट पर क्या है, एट पाई बाई टू पॉइंट पर क्या आया, वैल्यू थ्री आया, दोनों बराबर होगा, इक्वेट करेंगे वैल्यू दे देगा, एक जगह पर मेरा के बाई टू है और दूसरी जगह पर थ्री है, तो क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू सिक्स, ये आंसर हो गया ना, ओके आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, इसको एक दो बार देखो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, ओके थैंक यू।